lying at the central point, that is, they are coinciding each other. The mean, median, mode of the normal distribution are the same and they lie at the center. They are represented by the zero along the baseline. That's why we can write in this equation form, mean is equal to median is equal to mode. Then maximum ordinates. Kehne ka matlab maximum ordinates. In the next sentence it has been made clear. Maximum ordinate means the maximum height of the ordinate. It always occurs at the central point. कहने का मतलब है कि कर्व जो है मैक्सिमम हाइट उस कर्व की कहाँ पे है, जहाँ पे मीन मीडियन मोड नीचे दिखाया गया है तो उसकी मैक्सिमम हाइट उसी पॉइंट पे है. तो इट इज मैक्सिमम हाइट इज एट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द कर्व, दैट इज एट द मिड पॉइंट. द ऑर्डिनेट एट द मीन इज द हाइएस्ट ऑर्डिनेट एंड वी कैन इंडिकेट और डिनोट इट बाय वाई ओ. वाई ओ इज द हाइट ऑफ द Then maximum ordinates. कहने का मतलब maximum ordinates. In the next sentence it has been made clear. Maximum ordinate means the maximum height of the ordinate. It always occurs at the central point. कहने का मतलब है कि कर्व जो है मैक्सिमम हाइट उस कर्व की कहाँ पे है, जहाँ पे मीन मीडियन मोड नीचे दिखाया गया है तो उसकी मैक्सिमम हाइट उसी पॉइंट पे है. तो इट इज मैक्सिमम हाइट इज एट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द कर्व, दैट इज एट द मिड पॉइंट. द ऑर्डिनेट एट द मीन इज द हाइएस्ट ऑर्डिनेट एंड वी कैन इंडिकेट और डिनोट इट बाय वाई ओ. वाई ओ इज द हाइट ऑफ द कर्व एट द मीन और मिड पॉइंट ऑफ द बेस लाइन. इट इज डिक्रीजिंग इन हाइट ऑन बोथ द साइड्स अवे फ्रॉम द मिडल पॉइंट, the maximum ordinate point, but it never touches the horizontal axis. As we see that it is reaching from the height from the both sides, curve जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है और कभी भी ये जो है दोनों तरफ अगर आप देखो जहाँ पे plus infinity और minus infinity लिखा हुआ है तो it is never reaches to touch that axis. So it is जो थोड़ी सी जो जगह है इसमें वो हमेशा रहेगी. तो इस फीचर को ही हम कहते हैं कि एसिम्प्टोटिक कर्व. नॉर्मल लाइंग एट द सेंट्रल पॉइंट, दैट इज दे आर कोइंसाइडिंग ईच अदर. द मीन मीडियन मोड ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर द सेम एंड दे लाई एट द सेंटर. दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द जीरो अलोंग द बेस लाइन. दैट्स व्हाई वी कैन राइट इन दिस इक्वेशन फॉर मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड. Then maximum ordinates. कहने का मतलब maximum ordinates. In the next sentence it has been made clear. Maximum ordinate means the maximum height of the ordinate. It always occurs at the central point. कहने का मतलब है कि कर्व जो है मैक्सिमम हाइट उस कर्व की कहाँ पे है, जहाँ पे मीन मीडियन मोड नीचे दिखाया गया है तो उसकी मैक्सिमम हाइट उसी पॉइंट पे है. तो इट इज मैक्सिमम हाइट इज एट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द कर्व, दैट इज एट द मिड पॉइंट. द ऑर्डिनेट एट द मीन इज द हाइएस्ट ऑर्डिनेट एंड वी कैन इंडिकेट और डिनोट इट बाय वाई ओ. वाई ओ इज द हाइट ऑफ द Then maximum ordinates. कहने का मतलब maximum ordinates. In the next sentence it has been made clear. Maximum ordinate means the maximum height of the ordinate. It always occurs at the central point.
कहने का मतलब है कि कर्व जो है मैक्सिमम हाइट उस कर्व की कहाँ पे है, जहाँ पे मीन मीडियन मोड नीचे दिखाया गया है, तो उसकी मैक्सिमम हाइट उसी पॉइंट पे है. तो इट इज मैक्सिमम हाइट इज एट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द कर्व, दैट इज एट द मिड पॉइंट. द ऑर्डिनेट एट द मीन इज द हाइएस्ट ऑर्डिनेट एंड वी कैन इंडिकेट और डिनोट इट बाई वाई ओ. वाई ओ इज द हाइट ऑफ द कर्व एट द मीन और मिड पॉइंट ऑफ द baseline. It is decreasing in height on both the sides away from the middle point, the maximum ordinate point, but it never touches the horizontal axis. As we see that it is reaching from the height from the both sides, curve जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है और कभी भी ये जो है दोनों तरफ अगर आप देखो जहाँ पे plus infinity और minus infinity लिखा हुआ है तो इट इज़ नेवर रीचेज टू द टू टच दैट एक्सेस. सो इट इज़ जो थोड़ी सी जो जगह है इसमें वो हमेशा रहेगी. तो इस फीचर को ही हम कहते हैं कि एसिम्प्टोटिक कर्व. नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हैज़ द इज द एसिम्प्टोटिक कर्व. Then point of influx occurs at points plus one sigma. Sigma means standard deviation. So यहाँ पे आप कर्व में देखिए point of influx जो बताया गया है, यानी कि जहाँ से कर्व जो है अपनी शेप चेंज करता है. This is a point of influx. So maximum height की जो वैल्यू होती है वो इसमें बताई गई है, वाई ओ की वैल्यू 0.3989. और पॉइंट कहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती है, दैट इज एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्स. ये दोनों तरफ होता है, नेगेटिव साइड की तरफ भी और पॉजिटिव साइड की तरफ भी होता है. तो इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्स कहते हैं और इट रेंजेस फ्रॉम प्लस वन सिग्मा टू माइनस वन सिग्मा एज इज इंडिकेटिंग इन द पिक्चर. Then we see the total percentage of area of the normal curve within two point of inflexation. पीछे स्लाइड में मैंने आपको बताया पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्स क्या होता है, जहाँ पे उसकी वैल्यू जो है वो कर्व जो है वो उसकी शेप चेंज होती है. तो ऑलमोस्ट जो है 68.26% एरिया जो है इस दोनों पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्स के बीच में होते हैं. यहाँ पे जो मैक्सिमम केसेस हैं कि एक्चुअली नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हम देखते हैं कि एवरेज जो है कि हम ज़्यादा जो हमारा पॉपुलेशन डाटा होता है वो एवरेज में लाई करता है. तो दीज एरियाज दे आर इंडिकेटिंग के 68.26% ऑफ द एरिया कवर इज ऑफ द कर्व फॉल्स विद इन दीज लिमिट्स प्लस वन सिग्मा और माइनस वन सिग्मा के बीच में जो है ज़्यादा जो हमारी वैल्यूज हैं डाटा कलेक्ट जो हम करते हैं. तो उसके then so in the previous slide we see that greater percentage of cases at the middle of the distribution, then there is a greater percentage of cases at the middle of distribution in between minus 1 sigma to plus 1 sigma, that is 68.26%, 38.13 plus 38.13, aadhe idhar aur aadhe idhar. Kehne ka matlab ke nearly 2/3 of eases lie to the right side of plus one sigma, then इसके आगे कितने cases lie करते हैं, that it has been divided into 13.59 plus 2.14 plus 0.14, total मिला के हुए 15.87, that is plus one sigma से लेके plus 3 sigma तक इतने cases, जो बाकी cases रह जाते हैं. अगर हमने 100% 100 का डाटा 1000 का collect किया है तो उसमें से जो है 68.26% जो है वो एवरेज में होगा और जो है 13.59 प्लस 2.14 प्लस 0.14 जो है वो राइट साइड पे. इसी तरह से माइनस वन सिग्मा, दैट इज 13.59 प्लस 2.14 प्लस 0.14 ऑफ केसेस दे लाई बियॉन्ड द प्लस माइनस वन सिग्मा. सो वी कैन से दैट बियॉन्ड प्लस 2 सिग्मा, प्लस वन सिग्मा के बाद प्लस टू सिग्मा होता है, फिर प्लस थ्री सिग्मा होता है. तो 2.28% ऑफ केसेस, दिस इज नॉट द वर्ड इजीज बट केसेस,
they lie and beyond minus 2 sigma, and 2.28% of cases lie plus 2 sigma. The normal curve is a mathematic model. Okay, this is a model which we use in behavior sciences. जैसे हमने एजुकेशन में डाटा कलेक्ट करना है, एजुकेशन के फील्ड में स्टूडेंट्स की स्टडी करनी है, तो बच्चों की स्टडी करनी है, या सर्वे करना है, कोई डाटा लेना है, तो इस तरह का नॉर्मल कर्व जो है, हमें लार्ज डाटा लेना होता है, नॉट इन के लाइक साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, वहाँ पे हम न्यूमेरिकल अलग तरह का डाटा लेते हैं, तो यहाँ पे हमें लार्ज डाटा लेना होता है, इसलिए हम नॉर्मल कर्व का जो है उसका यूज जो है बिहेवियर साइंसेस में किया जाता है. देन दिस कर्व इज यूज एज ए मेजरमेंट स्केल. द मेजरमेंट यूनिट जो है इसमें हम सिग्मा की फॉर्म में, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा की फॉर्म में हम रीडिंग लेते हैं, और सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, कि नॉर्मल से कितनी ज़्यादा डेविएशन जो है वो वहाँ पे आ रही है रीडिंग्स में. So this showing the complete picture of the whole curve in detail mathematically. इसको अगर हमने इसकी पूरी रीडिंग करनी हो, as which I have told you or discussed you with you in the last point, in the previous points, that percentage of cases between the mean and different distances can be read from the figure below. The 34.13%. कहेंगे मतलब 68.26% दे लाई बिटवीन प्लस वन सिग्मा टू माइनस वन सिग्मा, एंड 13.59 इधर से लेफ्ट से और 13.59 राइट से, तो दे फॉर्म द अनदर एडिशन टू 68.26% एंड टोटल 95.44% केसेस जो हैं प्लस टू सिग्मा से लेके माइनस टू सिग्मा में लाई करते हैं, और 99.73 स्टडीज जो है, इतने केसेस की स्टडी जो है उनकी रीडिंग जो अगर हमने कंसीडर करनी है तो प्लस थ्री सिग्मा से लेकर